वेलकम बैक टू आवर चैनल अन्वेषाज क्रिएटिविटी। और आज के वीडियो की शुरुआत मैं कर रही हूँ डायंथस के इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ में। और आप देख सकते हैं मेरे डायंथस के फूल कितने जल्दी और कितने सुंदर होने लगे हैं और काफ़ी सारे फूल खिलने लगे हैं अब डेली के। तो अगर आप चाहते हैं कि डायंथस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, मैंने कैसे सेव किया और क्या क्या इसकी केयर करनी चाहिए, वही आप मुझे कमेंट करके बताइएगा तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और साथ ही साथ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मूस रोज़ भी आज खिला है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ, आज बहुत ही आज के मेरे वीडियो का मेन जो प्लांट था वो मुझे आपको ये दिखाना था। ये वाला प्लांट जो था ये हमने बीज से लगाया था लगभग एक महीने पहले, और ये देखिए एक महीने के अंदर कितने अच्छे से, एक महीना भी नहीं हुआ है इसको अभी पूरा। आप चाहे तो पुराना वीडियो चेक कर सकते हैं, इसको हमने कैसे ग्रो किया था सीड से, और आज इसके ऊपर पहला फूल निकला है और मुझे देख करके इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है तो सोचा कि क्यों ना आपके साथ में साझा करूँ। तो ये है अपराजिता का, ये नील फूल देता है, कितना सुंदर फूल निकला है और आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। आप में से काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स जो हैं उनकी क्वेरी आ रही है मेरे पास में कि उनके प्लांट की मिट्टी में कीड़े हो गए हैं। तो प्लांट की मिट्टी में जो कीड़े होते हैं वो किस वजह से होते हैं, मिट्टी में कीड़े होने का क्या कारण होता है, उसकी किस तरीके से हम देखभाल करें और इनको भगाया कैसे जा सकता है या फिर ख़त्म कैसे किया जा सकता है, ये इसी के ऊपर है आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी के लिए देखिए एक चीज़ और दिखाती हूँ। आज मैंने इसको धूप में रखा है क्योंकि यहाँ पर दो तीन दिन से धूप नहीं निकली थी लेकिन गर्मी काफ़ी थी तो पानी इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको धूप में रखा है। एक घंटे की धूप दूंगी, उसके बाद में फिर इसको मैं शेड में शिफ्ट कर दूंगी। और ये वही प्लांट है जो हमने कटिंग से लगाया था और ये देखिए कितनी अच्छे, कितनी जल्दी से कितना ग्रो हुआ है। अभी तीसरा दिन है इसको लगाए हुए और ये मेरे बोगनविला निकल रहे हैं। आपको इसलिए प्लांट दिखा रही हूँ कि आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड्स को पता चले, जो मुझे हमेशा ही फॉलो करते हैं उनको पता चले कि मेरे प्लांट्स की क्या कंडीशन है और कैसे कैसे फूल उसमें निकल रहे हैं। तो अब बात करते हैं हम मिट्टी की। तो यहाँ धूप बहुत हो गई है तो मैं शेड वाले एरिया में जाती हूँ। मैं आ गई हूँ इस साइड में और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे प्लांट्स की इस तरीके से ग्रोथ हो रही है और इसमें फूल निकले हैं। तो मैं बात कर रही थी कि मिट्टी की, पौधों में जो मिट्टी में कीड़े हो जाते हैं, और वो कई फ्रेंड्स की मेरे पास क्वेरी आई कि उनके पौधों में से कीचड़ जैसी स्मेल आती है, कईयों की आती है कंप्लेन कि उनके पौधों की मिट्टी में कीड़े हो गए हैं। तो वाकई ही वो देखने में बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं और अगर बहुत ज़्यादा वर्म्स हो जाते हैं हमारे प्लांट में, पौधे में यानी कि गमले में, तो वो क्या करते हैं हमारे पौधे की जो जड़ होती है ना उसको खाने लगते हैं और पौधा हमारा नीचे से जड़ से ही खराब होने लगता है, कुछ दिनों बाद सूख जाता है। तो किस तरीके से उससे निजात पाएं और क्या क्या काम करना चाहिए, वही आज का वीडियो है। तो चलिए बताती हूँ। सबसे पहला तरीका ये है कि अगर आप अपने प्लांट्स की मिट्टी में अगर एसिडिक लविंग सॉइल जो वो प्लांट होते हैं अगर आप उसके अंदर डालेंगे तो आपके मिट्टी का पीएच लेवल अच्छा होगा। और अगर एसिडिक लविंग सॉइल वाला प्लांट नहीं भी है तभी भी आप उसमें दो महीने में एक बार डालेंगे वो चीज़ तो आपका प्लांट जो है वो ठीक रहेगा, उसकी मिट्टी में कीड़े नहीं होंगे। तो वो क्या चीज़ है, आपको डालना है सिरका, जिसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है कैसे करके डालना है। तो आपको एक लीटर पानी में दो ढक्कन सिरका लेकर के अपने पौधों की मिट्टी में जो भी एसिडिक लविंग सॉइल है जो प्लांट है उसमें तो आप डाल सकते हैं पूरा एक लीटर पानी, आधा आधा लीटर डालिए एक गमले में, 10 इंच का गमला है तो उसमें आधा लीटर पानी डाल दीजिए। और अगर जो एसिडिक लविंग सॉइल प्लांट नहीं है उसमें आपको दो महीने में एक बार सिरका डालना चाहिए और आधा लीटर सिरका उसमें डाल दीजिए। आधा लीटर सिरके में, मतलब सिरके में नहीं डालना है, पानी के अंदर आधा लीटर पानी लीजिए, एक लीटर पानी लीजिए उसमें दो ढक्कन सिरका डालिए और उसको आधे डब्बा पानी आप एक गमले में डाल सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपको काम करना है, पहला काम। दूसरा काम ये है कि आप अपनी मिट्टी को बहुत ज़्यादा मॉइस्ट, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा मत रखिए, क्योंकि ये इसी कारण से होता है। देखिए क्या क्या कारण होते हैं वो मैं बता देती हूँ आपको कि एक कारण तो ये होता है कि हम नर्सरी से पौधा लेकर के आए और उसकी मिट्टी के अंदर पहले से ही वर्म्स मौजूद हैं, पहला कारण ये है। दूसरा कारण है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा वाटरिंग करते हैं अपने प्लांट में जिसकी वजह से मिट्टी मॉइस्ट रहती है तो वो वर्म्स पनपने लगते हैं, तो वो वर्म्स भी हो जाते हैं और कीचड़ जैसा
स्मेल भी आती है हमारे प्लांट पे, तो ये चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना है। अलावा अगर हम कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं अपने प्लांट में, मान लीजिए गोबर खाद दी है आपने या फिर वर्मी कंपोस्ट दी है, तो गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट का अलग अलग तरीका है, वजह से हमारे प्लांट में कीड़े हो जाते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट अगर गीली है, यानी कि वो अच्छे से कंपोस्ट की हुई अगर आपने नहीं डाली है, तो उसके अंदर भी गीली वर्मी कंपोस्ट के अंदर कई बारी वर्म्स होते हैं, और वो अगर आप अपने प्लांट में डालते हैं तो उसकी वजह से वर्म्स जो होते हैं वो और ज़्यादा हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी पनपने लगते हैं, तो वो वर्म्स हो जाते हैं, मिट्टी में कीचड़ की स्मेल भी आने लगती है। इसके अलावा गोबर खाद जो होती है अगर आपने डाली है अपने प्लांट्स में और वो भी अच्छे से डीकम्पोज नहीं है, तो उसमें भी कीड़े हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए जब भी आप फर्टिलाइजर दें इस टाइप का, वर्मी कम्पोस्ट या कम्पोस्ट या फिर लीफ कम्पोस्ट दें, तो अच्छे से कम्पोस्ट किया हुआ ही आप यूज़ करें, तो आपके प्लांट्स कीड़े होने से मिट्टी बची रहेगी। तो तीन चीज़ें ये जो ज़रूरी थीं, आप कभी भी कंपोस्ट खरीदें या बनाएं इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। और नर्सरी से जब भी आप प्लांट लें तो उसमें भी चेक कर लीजिए एक बार थोड़ी सी खुदाई करके कि इसमें कीड़े तो नहीं हैं, अगर हो सके तो वो वाला प्लांट ना लें फिर। अच्छा, ख़त्म कैसे करें उसका भी तरीका बताती हूँ। एक तो ये है कि विनेगर आप यूज़ कर सकते हैं, दूसरा ये कि महीने में एक बार एक चुटकी हींग जो होती है, हींग जो कि हम सब अपने किचन में रखते हैं खाने में यूज़ होती है, तो एक चम्मच हींग को आपने 10 लीटर पानी में मिलाना है, एक चम्मच हींग को आपने 10 लीटर पानी में मिलाना है, और वो पानी जो है आपने अपने सभी पौधों में देना है। उससे भी अगर आपको नहीं लगता कि भाई अगर इससे भी आपकी समस्या पौधों की ख़त्म नहीं हुई है, तो अगला काम जो है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही कारगर है। आपने नीम की खली लेनी है, और जब भी पौधे लगाएं तो उसके अंदर नीम की खली 1 या 2 मुट्ठी अपनी फर्टिलाइज़र और मिट्टी जो पॉटिंग मिक्स बनाते हैं उसमें आप अपनी नीम की खली को ज़रूर शामिल करें। 1 से 2 मुट्ठी नीम की खली आपने अपने पॉटिंग मिक्स में मिक्स करनी ही करनी है। उससे क्या होता है कि आप जब भी पौधा लगाएंगे पौधे की मिट्टी में कीड़े होने का खतरा नहीं होगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके पौधों की मिट्टी जो है वो कीड़ों से बची रहेगी। तो आज की जानकारी इतनी ही थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर दे। जल्दी मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।